हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का मेरे नई वीडियो में तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है फ्रेंड और आज मैं आप लोगों के साथ रोटी से संबंधित ट्रिक लेकर आई हूँ तो आप लोग देखिएगा मेरी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा तो देखिए फ्रेंड रोटी बनाते समय बेलन ऐसे हमारे रोटी में चिपकने लगता है तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड की अपने गैस का चूल्हा ऑन करेंगे और बेलन को देखिए हल्के हल्का 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 बेलन की कर देंगे हम सिकाई तो देखिए अभी हमारा बेलन सिक रहा है तो फ्रेंड ज़्यादा गर्म नहीं करना है और क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो बेलन हमारा लकड़ी का होता है चटक जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब हम रोटी को बेल रहे हैं फिर से रोटी को बेलेंगे तब देखिए अब हमारा रोटी है जो बेलन में चिपक नहीं रही है तो फ्रेंड देखिए ऐसे हम ऐसे इस ट्रिक को अपना के हम काफ़ी अच्छे से अपने किचन में काम कर सकते हैं फ्रेंड तो आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाइए और दूसरी ट्रिक है हमारी फ्रेंड तो अभी देखिए फ्रेंड हम रोटी बेल रहे हैं और ये तो ये वाली ट्रिक मेरी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड तो आप लोग देखिएगा कि कभी ऐसा होता है कि बाहर में हम हैं और कभी रेंट पे रह रहे हैं तो हम तवा वगैरह नहीं ले पाते हैं वैसे सबके पास तवा अवेलेबल नहीं होता है जेंट्स वगैरह लोग रहते हैं बाहर जाते हैं तो सिंगल सिंगल उनके पास कुकर है तो वो लोग कुकर में भी ऐसे इस वाली ट्रिक को अपना के वो लोग रोटी बना सकते हैं फ्रेंड कुकर में तो देखिए कुकर में रोटी कितनी अच्छे से बन रही है तो कभी कभी होता है ना फ्रेंड की जेंट्स बाहर बाहर ड्यूटी करता है जो तो एक ही कुकर में दाल एक ही कुकर है तो उसमें दाल बन रही है चावल बन रहा है सब्जी भी बन रही है तो तवा की तवा नहीं है तो एक ही कुकर में हम देखिए रोटी भी अपनी बना सकते हैं जैसे दाल चावल सब्जी जो भी बनाना रहता है एक ही कुकर में बन जाता है तो कुकर में ही फ्रेंड हम रोटी भी बना सकते हैं तो देखिए ये मेरी दूसरी ट्रिक थी फ्रेंड और ये है मेरी तीसरी ट्रिक फ्रेंड तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ये है फ्रेंड ख़राब कुकर का रबड़ तो देखिए इसे हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड और इसका मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा और शानदार ट्रिक है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड तो ये है कपड़े का क्लिप जो कि हम कपड़ा सुखाते हैं तो जब कपड़ा सूख जाता है तो ऐसे क्लिप को हम इकट्ठा करके रख देते हैं तो फ्रेंड इकट्ठा करके रख जरूर देते हैं मगर बच्चे भी बच्चे भी खेलते खेलते इधर उधर फेंक देते हैं या हमारा क्लिप खो जाता है तो जो हमारा पुराना प्रेशर कुकर का रबड़ है तो उसमें हम ऐसे अपनी क्लिप को सारी क्लिप को लगा देंगे तो देखिए हमारी सारी क्लिप लग चुकी है तो ऐसे है ना फ्रेंड हम लगा के और इसे हम कहीं दीवार में लगा देंगे टांग देंगे तो ऐसे हमारी क्लिप खोएगी नहीं और फिर से हम इसे आसानी से खोज लेंगे और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगी तो ये थी मेरी फ्रेंड तीसरी ट्रिक और यहाँ पर देखिए हम कहीं टांग भी सकते हैं अच्छे से और इससे है कि हमारी जो क्लिप है वो खोएगी नहीं और हमें काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आसानी रहेगी और फ्रेंड ये है मेरी तीसरी ट्रिक तो कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड कि हम लोग आटा जब गूँथते हैं तो हमारे ए, फिंगर में जो रिंग रहता है उसे हम लोग आटा गूंथते समय काफ़ी दिक्कत होता है चुभता है हाथ में या फिर रिंग में आटा आटा गुद आटा मतलब फंस जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि कभी इधर उधर रख देते हैं तो खो जाता है तो फिर आज मैं उसके लिए आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपका जो है रिंग वो खोएगा नहीं तो ऐसे हमने लिया है ज्वेलरी पर्स फ्रेंट और उसमें हम लगा देंगे डबल टेप जो कि देखिए हमने ऐसे लगा दिया है और अपनी किचन की दीवार में आप ऐसे चिपका देंगी डबल टेप के साथ ज्वेलरी पर्स को और जब भी आप आटा लगाने जाए तो अपने रिंग निकाल के आप उसमें रख सकती हैं आराम से और ऐसे क्या होगा ना फ्रेंड कि आप अगर भूल भी जाती हैं तो आपकी रिंग वही रहेगी जैसे कि आपके खोने से भी बची रहेगी और आप फिर उसमें से निकाल कर पहन भी सकती हैं फ्रेंड तो फ्रेंड ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को हम फॉलो करके अपने किचन के काम को फटाफट कर सकते हैं फ्रेंड तो आज की मेरी किचन की टिप्स कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल न्यू ट्रिक के साथ तो आप लोग आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा